दिया। अब इनके खिलाफ 28 आदमियों की तो नामजद रिपोर्ट और 200 आदमियों का गोल जो अनजाना है। ये कहते हैं कि ये लोग आए और इन्होंने हमला किया। अब देखिए, गोली मारने का जवान लड़कों को रात में कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये है कि इन्होंने हमला किया और जान बचाने के लिए गोली चलाई गई। मसला था, पुलिस तो बिल्कुल पाको साफ हो गई। मुसलमान ही अब इस वक्त की सूरत है, तकरीबन 60 आदमी जेल के अंदर बंद है, उनमें उलमा भी थे, एक आलिम की कल जमानत भी हो गई। लेकिन ये बात सोचने की है, जमीयत उलमा गए, हम गए सबसे पहले। मैं कश्मीर गया था जायजा लेने के लिए हालात का, मुझे पता चला, मैं कश्मीर से हवाई अड्डे उतरा और दूसरे जहाज में सवार होकर के मैं चला गया सूरत और डाभेल पहुंच गया। मैं डाभेल में जाकर के मैंने हालात का जायजा लिया, सुना, और सुनने के बाद मैंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। पहली मर्तबा हमने हुकूमत बनने के बाद वो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास भेजी, होम मिनिस्टर के पास भेजी और प्राइम मिनिस्टर के पास भेजी कि ये सूरत हाल है। और मैंने वो सिर्फ इंटरनेट से नहीं भेजी, फैक्सी से नहीं भेजी, बल्कि आदमी लेकर के गया। अखलाकी ये फरीदा और कानूनी फरीदा बनता था कि वो मुझे जवाब देते, लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब है कि उन्होंने इन हालात के अंदर मुसलमान की तबाही को अपने दिलो दिमाग के ऊपर कोई लेने का इरादा ही नहीं किया। तबाह हो गया, होने दो। बताइए इन हालात के अंदर क्या किया जाए? इसके सिवा कोई चीज नहीं है कि जिस बुनियाद के ऊपर वो अपनी पार्टियों को बनाकर सामने आए हैं, मुल्क के अंदर मुस्लिम दुश्मनी उबरती चली जाएगी। और ये पता दे रही कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। आप किस तरह जिंदगी गुजारें? आपका ये मुल्क है, आप इसी मुल्क में रहेंगे, आप इसी मुल्क में मरेंगे। हमारा मरना और जीना इसी मुल्क के अंदर है, हमारा मुल्क है। ये तो आसमानी बादल हैं, चल रहे हैं, हटते रहते हैं, खुलते रहते हैं, दूर होते रहते हैं, आते रहते हैं, हो कुछ भी हो, हमें तो इसी मुल्क में रहना है। और अपने इस्लामी तशख्खुस के साथ जिंदा रहना है इंशाअल्लाह। मदरसे भी चल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मदरसे जो आपके मजहब और मजहबी अलामत के साथ जिंदा रहने के लिए रीढ़ की हड्डी है। आज भी बीजेपी का सदर यह कह रहा है, सारे सदर, कि यह दहशतगर्दी का अड्डा है। अगरचे लोग मुसलमान बहुत खुश हैं और मुबारकबादी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री ने कह दिया कि हमने सब कुछ देख लिया, मुसलमानों के मरकज के अंदर इसके अंदर कोई मसला नहीं है, सारे मदरसे पाक और साफ है। मैं कहता हूं बिस्मिल्लाह की गुंबद में, अरे भाई मदरसों को तुम कह रहे हो पाक और साफ है, इनकी जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो कुछ भी नहीं है। मुसलमान को बलि का बकरा बनाना है। आप याद रखिए, जहां जहां इलेक्शन आएगा सबसे पहले मुसलमान को बर्बाद किया जाएगा, तभी तो हिंदू मुस्लिम वोट तकसीम होगा। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात कह दी और हम कहते थे कि मदरसों के अंदर कुछ नहीं है, गलत समझ रहे हैं। जो कुछ कहा जा रहा है, सोने वाले को लोरियां दी जा रही हैं। आप इसका मफहूम कुछ भी ले लें,
मेरे भाई ये बताइए कि जो उन मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो उन मदरसों के अंदर पढ़ा रहे हैं, अरे बाबा उन्हीं को तो दहशतगर्द कह रही है बीजेपी, उन्हीं के लिए तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कि अगर आप मुसलमान को समझते हैं कि वो पाक और साफ है, दहशतगर्द नहीं है, ये जो सैकड़ों बच्चे 20-20 साल से जेलों के अंदर बंद है, क्या किया आपने उनके लिए? उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है। आप क्यों नहीं है जब मुसलमान के मरकज दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान पाक और साफ है, कहते हो जाकर के कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मुल्क का वफादार है। तुम्हारी पुलिस ने जिन बच्चों को, जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए तो पाक और साफ होकर निकल जाए, क्यों नहीं कहते हो कि इनके इन्हें आगे बढ़ाओ? नहीं तो है नहीं। 16 साल के बाद अभी 8-10 दिन पहले डॉक्टर है MBBS फैरोजाबाद का, अब जयपुर की जेल में बंद है, लोअर कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट में, यहां के बाद से अभी अपर कोर्ट हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है। 16 साल के बाद फांसी का हुक्म हुआ है। अब आप बताइए कि 16 साल तक उसके मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया, यहां तक के लोअर कोर्ट का फैसला आया, तो ये बताइए कि हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जिंदा रहेगा? आप बिस्मिल्लाह गुंबद मेरे साहब बाबा बहुत अच्छा, उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल मुसलमान वफादार है और मदरसे बिल्कुल आ रहे। बाबा जमीनी हकीकत क्या है, ये है जो मैं कह रहा हूं। 80-80 साल के बूढ़े 15-15 साल से जेलों के अंदर बंद है, लखनऊ का ये मौलाना बैठे हुए हैं, वो उसकी बीवी बूढ़ी है, जारी रोती है, माँ बाप रोते रोते अंधे हो गए। ये इन हालात के अंदर आप कहते हो कि मुसलमान वफादार है, जमीनी हकीकत क्या है? क्यों नहीं जमीनी हकीकत बनाते हो? मुल्क ने तुमको इख्तदार, तनहा तुम इख्तदार के मालिक हो, मुसलमान के लिए रास्ते खोलो, कहां रास्ते खुले हुए? कोई दावा कर सकता है कि मुसलमान के लिए रास्ते खुले हुए हैं? तो है नहीं। और मेरे भाई सब इसके अंदर, आप अगर मुसलमान को वाकई बचाना चाहते हो, इंसदाद फसाद बिन क्यों नहीं रहते हो? आज तो तुम्हारी हुकूमत है, कोई मुखालफत नहीं होगी, लाओ बिल। मुसलमान को क्यों नहीं रिजर्वेशन देते हो? दो रिजर्वेशन, मुसलमान के पीछे रहने के जो असबाब है, उन असबाब को क्यों नहीं दूर करते हो? मगर ये नहीं होगा, हमें तो आपको नहीं, हम नहीं समझते हैं। इसलिए कि मसला किसी एक फर्द का नहीं है कि वो बरसरे इख्तदार बैठा हुआ, मसला उस ज़हनियत का है जो ज़हनियत ओढ़ना बिछोना समझती है फिरका परस्ती को और मुसलमान को मैदान से किनारा करने के लिए, वो मसला है, वो कैसे निभेगा? मेरे भाई मुसलमान ने इन्हीं हालात के अंदर दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के लिए रास्ते खोले। मैंने सिर्फ इसीलिए आप हजरात को बुलाया है और आज के इजमा के लिए ये मसला रीढ़ की हड्डी है। मैं ये कहता हूं कि 65 साल मुल्क की तकसीम के बाद, आजादी नहीं, मैं कहता हूं मुल्क की तकसीम के बाद मुसलमान और हिंदू के दरमियान एक दीवार खड़ी हुई है, ना वो आपसे मिलता है ना आप उससे मिलते हैं। मैं कहता हूं अगर किसी को इख्तलाफ होता है, पूरे मुल्क के अंदर एक दीवार खड़ी कर दी गई है और फिरका परस्त ज़हनियत ही ने वो दीवार खड़ी की है। अगर आप उस दीवार को मुनहदिम नहीं करेंगे और उसके लिए कुर्बानी नहीं देंगे, याद रखिए आने वाले दिनों के अंदर आपको जिंदगी का हक नहीं मिलेगा।